हाँ जी, तो मेहरबान कदरदान, वो बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि इश्क एक नशा है और जिसे पहले होश आ जाए वही तो बेवफा है। हमें ना इश्क से कोई लेना देना भाई, ना नशे से कोई लेना देना। ये हमारे जो दोस्त हैं, जो परम मित्र हैं, सुबह इन्होंने एक ऐसा कांड किया था, उसके बाद ये भाई 25 अगरबत्ती जला चुके हैं, लेकिन वो बदबू नहीं जा रही है। आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। अब जो पेशेंट्स थे हमारे, जो 11 बजे वाला बैच होता है, वो आ चुका है। अब हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं, फ्री हुए तो हमने सोचा थोड़ी सी जो है कैमरा हाथ में लेके बकवास की जाए। अब लग रही है भूख, समस्या की बात ये है, और घर में खाने को कुछ है नहीं, और बाहर का हम खाना नहीं चाहते। जिम जाने का भी प्लान है, खाली पेट जिम नहीं जाया जाएगा, कुछ खा लिया तो भी नहीं जाया जाएगा। तो हम फाइनली वही करेंगे जो एक आम नागरिक करता है, हम गन्ने का जूस पियेंगे 10 रुपया का। यस बोल, इसने मना कर दिया, मैं अकेले पीऊंगा। तो इसी बीच हमारे एक जो खास मरीज थे वो आए, उन्होंने हमें बताया, डॉक्टर साहब जमी आराम को नहीं, जमी आराम नहीं होया, दवाई खांदी हो गए डॉक्टर साहब 10 दिन। मगा अच्छा जी, वो जो स्लिप होती है हमारी ओपीडी स्लिप, वो अपने पास ही रहती है। तो मैंने पूछा कि अभी वो पेट में जलन अभी भी हो रही है? बोला ना जी, पेट में जलन तो को नहीं, मैं तो घबराहट हो रही हो, पर जी घबराहट भी नहीं है, मैं तो वो सिर में दर्द जो बता रहे थे वो, बोला वो भी नहीं है। मगा जी एक और कह रहे थे कि पेट साफ नहीं होता, बोला ना जी पेट साफ भी होने लगा। तो मोहा गुरु जी दिक्कत क्या आ रही है? बोला जी एड्डी में दर्द हो है मेरे। तो जो चीज ठीक हो गई वो किसी को याद नहीं रहनी, जो नहीं हुई है समस्या देती है वो। बड़ी दुविधा है भाई, बड़ी दुविधा है। दूर तक कहेंगे यो काम भी आसान है, वो काम भी आसान है, एक सुबह से एक वो ढूंढ रहे हैं क्या है वो, अरे वो प्लम्बर। मारी मारी गली में 6 डॉक्टर हैं और प्लम्बर एक भी होनी, डिमांड में भाई प्लम्बर का काम, थोड़ा सीखो यार। और लोग नू कहें बेरोजगारी है, डॉक्टर जितने कमाओ प्लम्बर भी। अपा ने माइंड सेट कर रखा है कि ना प्लम्बर का काम छोटा, डॉक्टर का काम बड़ा काम है भाई, जरूरत का, जिस चीज की जरूरत वो काम। तो बड़ी भारी भारी रिक्वायरमेंट है भाई आज प्लम्बर की, लेकिन आज प्लम्बर नहीं मिल रहा। रोज वो टंकी खाली हो जाए, कोई साथ पर बांदर टूटी खोल के छोड़ जाए, इन बांदरान की दुश्मनी काट रखी है, पीछे जी बाइक की सीट पाट के चले गए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। लो जी फाइनली एक बज चुका है, भूख जो है चरम सीमाओं को लांग कर अगले बॉर्डर पर जा चुकी है, और ऐसी स्थिति में हमने फैसला लिया है कि हम जूस पीने जाएंगे। ये वाला लड़का अभी तो ना नुकर कर रहा है, ये छोटे मोटे फोन में गेम खेल कर कितना पैसा कमा लेते हो, 50 रुपया दिन का बोल रहा है। अब इसको लेके जाएंगे हम, जूस पी के आएंगे, उसके बाद देखते हैं हमारे जो वो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोनिया, उनके क्लिनिक पर आपकी मुलाकात उनसे करवाई जाएगी। बड़ी भारी नकदी हमने जूस के लिए ले ली है, और अब हम प्रस्थान करेंगे गन्ने के जूस वाले के पास, हमारा पड़ोसी ही है वो। पैसा कम रह गया था, रूबी ने एक 10 रुपया और लेकर आया है, रुपये हो गए हैं पूरे 40, मजा ही आ जाएगा। और ये हमने लॉक लगा दिया है और निकल चले हैं हम जूस के लिए। गली का वीरानापन बता रहा है कि गर्मी आ चुकी है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो जी गर्मी के इस माहौल में हम निकल पड़े थे जूस पीने के लिए, और निकलते ही मुझे अचानक से रोड के कोने पर कुछ दिखा, कोई हॉस्पिटल की स्वीपर स्टाफ थी, वो किसी की गाड़ी साफ कर रही थी। तो उससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं इससे पहले एक जगह नौकरी किया करता था, जगह का नाम तो मैं खैर नहीं बताऊँगा। अब वहाँ एक स्वीपर हुआ करता था, छोटा सा लड़का था, लगभग 21 साल का था, नाम उसका शायद रिंकू था। तो 21 ही साल का था वो, और उसकी 3 साल पहले शादी हो गई थी, बीवी उसकी गांव में कहीं बिहार साइड रहते थे वो। तो उसने बताया, बाऊजी बोला 2 लड़कियां हैं मुझे, पहली का नाम, बड़ी वाली का तो नाम उसने बताया, और बोला छोटी वाली का नाम मुझे अभी पता नहीं है।
और इसके बाद जो है एक लड़का और पैदा करूंगा मैं, लड़कियां पढ़ेंगी और लड़का खेती में मदद किया करेगा। तो ये उसके फ्यूचर प्लान्स थे, लेकिन बात ये नहीं थी। कहानी कुछ ये थी कि जहाँ मैं काम करता था वहाँ के जो ओनर थे बुज़ुर्ग आदमी थे। अब उससे इंसान की ज़रा सी ना, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी नीयत का थोड़ा पता चलता है। तो वो बड़ा कमज़ोर सा लड़का, लगभग 40 किलो का होगा वो सारा, 40-45 किलो का बड़ा कमज़ोर सा लड़का, सारा दिन काम करता था। सुबह 7 बजे उसकी शिफ्ट शुरू होती थी, रात को ये मान के चलिए 10 बजे तक वो काम करता था। तो उसमें बीच में अगर वो उसको कहीं बैठा हुआ दिख जाता ना, तो वो जो ओनर थे वो उसको एक कपड़ा दे के और अपनी स्कूटी साफ़ करने के लिए भेज दिया करते थे कि जा वो ना स्कूटी साफ़ कर ले, और एक पानी का छोटा सा मग्गा दे के उसको, और सारा दिन लगभग लगभग 2-2.5 घंटे तक उससे वहाँ खड़े होकर स्कूटी साफ़ करवाते थे डेली। तो जो हमारे लोग हैं ना, इनमें इंसानियत की बड़ी कमी है। ये नहीं देखते कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, इस तरह का ध्यान हमारे लोग कभी भी नहीं रखते। तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर माफ़ी है भाई, वो डॉक्टर सोनिया से मिलाने का सपना तो सपना ही रह गया, मैडम तो बाहर गई हुई थी और हमें निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा। अब रोबिन का जूस से पेट भरा नहीं है, तो वो कुछ खाने के लिए लेने जा रहा है बंदोबस्त करने, और हम करेंगे अब अपना रेस्ट। बंदरों से कोई ऐसी खासी दुश्मनी हमारी थी नहीं, जिसका बदला उन्होंने ये हमारी सीट फाड़ कर लिया, और इसे देखकर काफ़ी दुख भी होता है, पर चलो कोई बात नहीं, भगवान तो देख ही रहा है।